जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जनन प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार के जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, जनन की क्रिया में जो मदद करता है, उसमें से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, चाहे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में जनन प्रौद्योगिकी के साथ मिले, सॉरी जनन प्रौद्योगिकी के साथ मिले, या आपसे जिप्ट के नाम से भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा, जहां ना समझ में आए तो हम आपको फिर बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि युग्मनज अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का क्या है, जनन सहायक प्रौद्योगिकी है, यह एक प्रकार का मदद करता है जनन की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यह एक प्रोसेस है, एक विधि है, ठीक। इसका विधि किसके लिए किया जाता है, उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके अंडाशय में अंडाणु बनता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है लेकिन लेकिन निषेचन और युग्मनज नहीं हो पाता है। मतलब जैसे निषेचन के बाद युग्मनज की प्रक्रिया होती है, जैसे आपको पता है कोरक पुटी बनता है, तो कोरक पुटी जो होता है उस स्त्री के शरीर में नहीं बन पाता है, बकिया बाद में जो भ्रूण बनेगा वो बन जाएगा, माने बाद में बच्चे पैदा, उनके बच्चे में भ्रूण का विकास, माने पेट में भ्रूण का विकास होगा लेकिन कोरक पुटी का निर्माण नहीं होगा, यानी युग्मनज नहीं होगा। तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है कि अब इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस स्त्री के शरीर से उस अंडाणु को ले लेते हैं, माने उस स्त्री के शरीर से अंडाणु ले लेते हैं, उनके पति के शरीर से शुक्राणु ले लेते हैं, दोनों को बाह्य माध्यम में किसी प्रयोगशाला में निषेचन करा देते हैं। मतलब जब दोनों के युग्मकों को प्रयोगशाला में निषेचन करा दिए, तब उसके बाद 24 घंटे बाद क्या होगा, वहां पर ब्लास्टोसिस्ट माने कि कोरक पुटी, 8 कोरक पुटी का निर्माण होगा, कितने कोरक पुटी का, 8 कोरक पुटी का निर्माण होगा, फिर उसी को जो कोरक पुटी बन गया है उसी को लेप्रोस्कोप, ठीक है, क्या नाम है, लेप्रो पूछा जाता है, लेप्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप के द्वारा उस स्त्री के अंडवाहिनी में प्रवेश करा देते हैं, ठीक। चलिए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक, लिख लीजिए जरा। इस जनन सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके अंदर अंडाशय में अंडाणु तो बनता है परंतु निषेचन और युग्मनज, ठीक है, यही युग्मनज का निर्माण नहीं होता, ठीक। उस स्त्री के लिए करेंगे कि जिनके अंडाशय अंडाणु तो बनेगा लेकिन निषेचन और युग्मनज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो उनके पति के शरीर से शुक्राणु, उनके पति का शुक्राणु माने जो मेल गैमिट होता है, शुक्राणु और उनका अंडाणु निकालकर प्रयोगशाला में, कहां पे, लैब में, प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है, क्योंकि उनके पेट में थोड़ नहीं पा रहा है अंडवाणी, निषेचन कराया जाता है, कराया
कराया जाता है। और जब आठ कोरक पुटी, कितनी जैसे नोट करिएगा, ये नोट करिएगा कितनी कोरक पुटी, आठ कोरक पुटी अवस्था हो जाती है, अवस्था बन जाती है तो उसे लैप्रोस्कोप, नोट करिएगा इसका नाम लैप्रोस्कोप के द्वारा अंडवाहिनी में प्रवेश कर दिया जाता है, अंडवाहिनी में प्रवेश कर दिया जाता है। जब अंडवाहिनी में प्रवेश कर दिया जाएगा तो आगे भ्रूण का निर्माण होगा और उस स्त्री को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, ध्यान सुनिएगा। इसके पहले जो हमने आपको युग्मक पढ़ाया था तो वहां पर लिखा था गैमिट, क्या लिखा था, गैमिट। तो जब युग्मक प्रवेश कराएंगे तो जिप्ट होगा और जब युग्मनज को डालेंगे तो जिप्ट होगा, सॉरी जेड आई एफ टी होगा जब युग्मनज को डालेंगे और जी आई एफ टी जो होगा तब युग्मक को डालेंगे। यहां तो अंडाणु उधार ले लिया जा रहा था, यहां तो अंडाणु किसी दूसरी स्थिति से उधार लिया जाता था, लेकिन यहां उन्हीं का अंडाणु रहेगा, उनके पति के शुक्राणु को निकालकर प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाएगा। जब आठ कोरक पुटी बन जाएगा तो उसी को निकाल करके उस स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाएगा और उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद।